लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की शुरुआत की मांग की है। चिराग ने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री इस पत्र के माध्यम से बिहार की एक ऐसी समस्या आपके संज्ञान में देना चाहता हूँ जिसकी वजह से दुनिया भर में रह रहे बिहारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आजादी के 75 साल बाद भी बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। बिहार के लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर देश और दुनिया के विभिन्न कोनों में जाकर बसने के लिए मजबूर हैं। हर देश में रह रहे बिहारियों की आपसे बस एक ही मांग है, वे चाहते हैं कि बिहार में जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए। आपको बता दें, चिराग ने पत्र में ये भी लिखा कि महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मुझे दुबई में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जाने का अवसर मिला। उस समारोह के क्रम में मुझे हजारों भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला जिसमें अधिकांश बिहारी थे। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि संयुक्त अरब अमीरात में कुल भारतीय लगभग 35 लाख हैं, उसमें से बिहार और झारखंड के लोगों की कुल संख्या लगभग 4 लाख है जिसमें अधिकांश मध्यम वर्ग के लोग हैं। LJPR प्रमुख ने आगे कहा कि जब कभी विदेश में रह रहे बिहार के लोगों को अपने घर आना जाना पड़ता है तो मजबूरन उन्हें वाया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या किसी अन्य शहर पहले आना पड़ता है। बिहार जाने के लिए उन्हें हवाई या अन्य मार्ग से विवश होकर जाना पड़ता है जिससे उन मध्यम वर्गीय प्रवासियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ता है और समय की भी बर्बादी होती है। विवश होकर अधिकांश लोग चाहकर भी कई बार अपने घर नहीं आ पाते हैं। आपको बता दें, आगे चिराग ने पत्र में लिखा कि मैं बिहार प्रदेश से जन प्रतिनिधि होने के नाते आपसे व्यक्तिगत तौर पर तथा अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से ये मांग करता हूँ, बिहार को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात देकर विदेशों में रह रहे बिहारियों की उपरोक्त समस्या का समाधान निश्चित रूप से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस मांग को जल्द पूरा करने की कृपा करेंगे। बता दें, बीते दिन उड़ीसा में हुए रेल हादसे को लेकर चिराग पासवान ने दुख जताया था। चिराग पासवान ने लिखा था कि उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, साथ ही साथ ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।